नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉलफील्ड मिरर, हर पल आपके साथ। है ये आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो निरसा है इनके निरीक्षण का कार्यक्रम है। तो निरीक्षण के दौरान हम तीन चार विशेष बिंदु पर चीज़ें देखते हैं। पहला है कि अपराध नियंत्रण में क्या क्या इस अनुमंडल में हो रहा है, अनुसंधान नियंत्रण में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ तक हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं, सरिस्ता कार्य की क्या क्वालिटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हम लोगों के लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको कैसे देखा जाए। तो इन सब में पूर्व रूप से और पुलिस मैनुअल के अनुसार कई सारे चीज़ें हैं जिसको देखना है, उसके तहत आज हम निरीक्षण में आए हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, SDPO स्वयं भी हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं, जो सभी थाना प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अभी तक के निरीक्षण में हमने अपराध नियंत्रण काफ़ी करने की कोशिश में है। पंचायत में भी जो केसेस हुए थे, जो भी रिसेंटली क्राइम्स हुए हैं उसमें डिटेक्शन हो रहा है, कुछ पार्शियली डिटेक्टेड है, उसमें आगे करने की ज़रूरत है। अनुसंधान में हम लोगों की स्थिति काफ़ी हद तक सुधार इसमें अपेक्षित है। कई केसेस की पेंडेंसी काफ़ी लंबे अरसे से है जिसमें हम लोगों को वरीय पदाधिकारियों से भी रिजल्ट मिले हैं, तो आने वाले दिनों में और तेज़ी आएगी। कुछ विशेष चीज़ें जो यहाँ पे की गई हैं, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्जांपल बीट बंटवारा किया गया है और डेली सुबह 8 बजे की ब्रीफिंग हो रही है, जिससे धीरे धीरे कार्यशैली में सुधार आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ के जनता के साथ बेहतर समन्वय के साथ चीज़ों को सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित की जाए। एक महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि संगठित अपराध, विशेष रूप से कोयला चोरी या किसी तरह का अवैध शराब या किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी संगठित रूप से यहाँ पे किसी तरह से फलने फूलने नहीं देना है और कड़ी रूप से यहाँ पे कार्रवाई करनी है, जिस आलोक में भी मेरे द्वारा समीक्षा की जाए। सर, आज योगेंद्र तिवारी की आज गिरफ्तारी हुई है, जिनको शराब और बालू माफिया के रूप में जाना जाता है, क्या कुछ तैयारी यहाँ के लिए है? जितने भी माफियाज हैं, जैसे कि हमने पूर्व में भी यहाँ पे निर्देश दिया है, इस बार जो अपराध गोष्ठी कल होगी उसमें भी हम समीक्षा करेंगे, पिछले दस साल के जितने भी ऐसे अपराधी हैं जो संगठित रूप से अपराध में सम्मिलित हैं, उनकी विस्तृत विवरणी सभी थानावार संधारित की जा रही है। हम लोग डिटेल्ड सर्वेलेंस डॉसियर्स उन पे बना रहे हैं, लगातार अब उन पे निगरानी रखी जाएगी। जो पूर्व में चार्जशीटेड अक्यूज्ड हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको CCA में भी प्रस्तावित करेंगे कि जितने भी संगठित रूप से यहाँ पे अपराधकर्मी शामिल हैं और जो पूर्व में संपत्तिमूलक अपराधों में भी संलिप्त रहे हैं, चाहे डकैती या लूट, उसमें भी हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी ऑलरेडी हो रहा है। पूर्व में आप देख रहे हैं कि कुछ क्रिमिनल्स पे निगरानी रखने की वजह से अचीवमेंट भी हुई है। आज CTSP भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिटी में, तो बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स हमको हो रहे हैं। तो एक डेटा बेस हम लोग संधारित कर रहे हैं जिसकी गुणवत्ता आगे रिलायबल होगी। एक और आखिर कोरोना को लेकर जिस तरह से है अभी आप देख रहे हैं, स्ट्रीट वेंडिंग वेंडर्स जो हैं लोगों को लगाने के लिए उनको सख्ती से जिला प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर मना किया है, उसके बावजूद भी पूरे निरसा क्षेत्र में तो स्ट्रीट वेंडर्स आज भी वो लगा रहे हैं दुकानें लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। एज ऑफ नाउ अनप्रेसिडेंटेड वे में कोरोना ही हमारी आज भी नंबर वन प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग एक लॉकडाउन के एंडिंग अनलॉक मोड में है, तो लोगों को और भी जवाबदेही बढ़ जाती है कि किस तरह से मास्क पहनना अत्यधिक ज़रूरी है। हम लोग चेकिंग करवा कर यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अनिवार्य रूप से मास्क नहीं पहना हुआ है उन पर भी जुर्माना लगे। बट कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और समझना होगा कि इस संक्रमण से हम खुद और अन्य लोगों को तभी बचा सकते हैं जब हम जो भी नियम और जो भी अवेयरनेस दिया गया है उनको उसका पूर्ण रूप से पालन हो, चाहे हमारे स्ट्रीट वेंडर हो या बड़े शॉप्स के मालिक हो या हम लोग खुद पदाधिकारी हो, हम लोगों को इन सब नियमों का और जो भी सलाह दी जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन करना है। कोरोना पर हम लोगों की विशेष निगाह है और ये हमारी नंबर वन प्रायोरिटी। सर, यहाँ एक और क्वेश्चन है, अपना मायथन जो जगह चेक पोस्ट है वहाँ पे ना तो स्कैनिंग का सुविधा है और पुलिस वाले का ना सुविधा रहने का है, इसके लिए आपके तरफ से क्या ये किया जा रहा है? आपको ये बात समझना होगा कि हम लोग भी बहुत सारे प्रेशर्स में अभी हैं, चाहे मैन पावर को लेके हो चाहे चीज़ों को लेके हो, तो हम लोग धीरे धीरे सब लेवल पे सुधार कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे भी स्कैनिंग की व्यवस्था ऑलरेडी की गई है, मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, स्कैनिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जगह जगह जहाँ कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल रूम सब जगह एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कुछ जगह में जहाँ पे थोड़ी सिस्टमैटिक रूप से कमी है उसका हम समीक्षा करके बहुत जल्दी उसको सुधार करें।